हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ वाराणसी, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वाराणसी पहुँचने के लिए आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ बस से। रेड बस साइट से मैंने अपनी स्लीपर सीट बुक कर ली थी और सीट पड़ी थी मुझे 1300 रुपीस की, स्लीपर सीट थी, और सिटिंग सीट आपको पड़ जाएगी 1000 तक की। तो वाराणसी जाने के लिए और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ट्रेन है, ट्रेन आप बुक कर सकते हैं। अराउंड 500 तक की ट्रेन स्लीपर क्लास में आपकी बुक हो सकती है, तो आप ट्रेन भी ट्राई कर सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं दिल्ली से। स्लीपर सीट बहुत ही कंफर्टेबल थी और बस नॉनस्टॉप चली थी बिना रुके, बिकॉज इसमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल थी। तो वन थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस इज, अगर आप कहीं भी घूमने का प्लान करते हैं तो आप पहले अपना होटल बुक करके चलिएगा, कि बाद में सर्चिंग में ढूंढने में दिक्कत आती है, इसलिए पहले ही आप बुक करके जाएं जहाँ भी जाएं। वाराणसी पहुँचने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया और हम सीधा निकल गए काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। अब मैं उन्हीं गलियों से गुजर रहा था जिन गलियों को मैं अपने पहले से देखता आया हूँ, और यह दृश्य मेरे लिए बहुत ही सुंदर था। इन बनारस की गलियों से निकलकर मैं पहुंचा दशाश्वमेध घाट पर। माना जाता है यह घाट ब्रह्म देवता जी ने भगवान शिव के आगमन के लिए बनवाया था, और यह घाट विश्वनाथ टेम्पल से बहुत ही निकट है। इसके बाद मैं भगवान शिव के दर्शन के लिए विश्वनाथ टेम्पल की तरफ चला। माना जाता है विश्वनाथ टेम्पल जो है राजा हरिचंद जी द्वारा स्थापित किया गया है 11th सेंचुरी में। उसके बाद महारानी अहिल्याबाई जी ने 1780 में इस मंदिर की दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि ये मंदिर बार बार तोड़वाया गया और बनवाया गया है। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट द्वारा इस मंदिर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया है। मंदिर में एंट्री लेने के बाद आपको अपना फ़ोन कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए वो ही आपको लॉकर में जमा कराना होगा। मंदिर में भोजन की सारी व्यवस्थाएं अब उपलब्ध हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ की बाहर की मार्केट भी घूम सकते हैं, यहाँ का फेमस फूड ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने पूड़ी और आलू की सब्जी ट्राई करी जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। शाम में आरती दर्शन के लिए मैं 80 घाट पर आया। यहाँ की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे होती है और शाम को 6:30 बजे आरती आरम्भ होती है।
धरती के आनंद लेने के बाद आप पासीघाट के लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के फूड भी बहुत अच्छे फेमस हैं। और इस तरह डे वन मैंने वाराणसी में बिताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।